यूक्रेन को दिया जाएगा $50 बिलियन। यूरोप अमेरिका में रूस की कई संपत्तियां फ्रीज की गई थी। दरअसल यूरोप और अमेरिकी प्रशासन ने रूसी नागरिकों की दर्जनों संपत्तियों को फ्रीज किया हुआ है। कई संपत्तियों को पुतिन के करीबियों की संपत्ति माना जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इन संपत्तियों को बेचा जाएगा और उसमें से $50 बिलियन की मदद यूक्रेन को भेजी जाएगी। तो यूक्रेन की मदद कुछ इस तरीके से भी की जा रही। तो देखिए $50 बिलियन की भारी भरकम मदद, वो भी किस अंदाज में की जा रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी पैसा यूक्रेन के खाते में दरअसल डाला जा रहा है। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। किस तरह से ये पैसा यूक्रेन के खाते में जाएगा, रूस का पैसा रूस के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की यह तैयारी है। यूक्रेन सैन्य सामग्री खरीदने में यह पैसा खर्च करेगा जो कि रूस के नागरिकों की ही जब्त संपत्तियों से इकट्ठा हुआ है। यूक्रेन का पुनर्निर्माण भी रूसी पैसों से होगा, यह भी साफ नजर आता है। और यहां पर यूक्रेन सैन्य सामग्री खरीदने में खर्च किया जाएगा पैसा, यह बड़ी खबर है। इसके अलावा यूक्रेन का पुनर्निर्माण भी जरूरी पैसों से होगा। साथ ही यूरोप अमेरिका में कुल $300 बिलियन की रूसी संपत्ति फ्रीज की गई है और कहीं ना कहीं इसी के जरिए अब यूक्रेन को मदद करने की कोशिश भी की जा रही है। एक और पॉइंट आपके सामने, G7 में हुए इस फैसले से रूस अब आग बबूला है, गुस्से में है, क्योंकि कुल मिलाकर रूस की संपत्ति फ्रीज कर और उसकी मदद यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, रूस से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और ऐसा हो भी क्यों ना। G7 ने एक बहुत गहरा जख्म देने की कोशिश की है व्लादिमीर पुतिन को, और प्रतिमा ये तो सीधे सीधे भड़काने की कोशिश हुई। बिल्कुल तिवारी सर, यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि यूक्रेनी खाते में रूसी पैसा, इससे पुतिन को कितना बड़ा झटका और कितना बड़ा नुकसान। प्रतिमा, मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूँ। बोरा सर इसको कंफर्म करेंगे कि जितना पैसा है वो यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि वो इंटरेस्ट ही खाली यूज किया जा सकता है। तो 300 बिलियन की जो बात कर रहे हैं, इसका इंटरेस्ट ही इतना जाता है जो इनडायरेक्टली इसको यूक्रेन को वॉर के इक्विपमेंट के रूप में इनको दिया जा रहा है। लेकिन जैसा मनीष जी बता रहे थे, पूर्ण रूप से सहमत हूँ, ये यूक्रेन को अफगानिस्तान बना के ही छोड़ेगा। वो यूक्रेन की जनता कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं हमारी भलाई के लिए आ रहे हैं कि हमारी बर्बादी के लिए आ रहे हैं। इनका जो भी समझौता, पहले रशिया ही यूक्रेन का ध्यान रखता था, ये कहाँ से आ गए। इनका जो नेता है, लोगों को इस नेता में, जो जेलेंस्की जो नौटंकी मास्टर था, जिसको इसमें कितना विश्वास क्यों है कि उसको अभी भी आगे रखा हुआ है, उनके लोगों को सामने आना चाहिए और अपना नेता हटाएं ताकि जो बचा खुचा है देश में सुधर के और शांति से रह सके। इनकी 30 से 45% पॉपुलेशन विस्थापित हो चुकी है, बाहर जा चुकी है, इनकी आधी से मिलिट्री ज़्यादा मर चुकी है। जैसा मनीष बता रहे थे कि कोई यूक्रेनियन, कोई US का सोल्जर यहाँ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि इनके पैसे को, जो भी मतलब इंटरनेशनल रूल के मुताबिक है, उसके रशिया के पैसे, ये अपने फायदे में ये यूक्रेन को नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। कह तो रहे कि हम यूक्रेन को दे रहे हैं, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और रशिया का जो ये वॉर है, ये यूक्रेन का वॉर है, फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा, 10 साल चलता रहेगा, लेकिन इसे बर्बादी सिर्फ यूक्रेन की ही है। और सर तिवारी जी, अभी जिस बात का जिक्र हुआ, मुझे लगता है इससे हम अपने दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहेंगे। मनीष, अगर आप इस पर और जानकारी दे दें, $300 बिलियन की संपत्ति जो है वो सीज की गई, ये पूरे पैसे क्या एक तरह से यूक्रेन को मिलने वाले हैं या फिर उसका इंटरेस्ट, जिसका भी जिक्र हुआ। बिल्कुल, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद यूरोप में और अमेरिका में जो रूसी संपत्तियां थी उसको फ्रीज किया गया। हाँ। और ये 300 बिलियन से $400 बिलियन के बराबर की बताई जाती है। ठीक है, अब G7 ने यह तय किया है कि इन संपत्तियों से जो आमदनी होगी, यानी जो इनका इंटरेस्ट हाँ। होगा, अभी फिलहाल हम वो यूक्रेन को देंगे। अब सवाल यह कि क्या इन संपत्तियों का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस में जो पश्चिमी देशों की संपत्तियां हैं उसको फ्रीज करना शुरू कर दिया है। तो अब पश्चिमी देशों को यह लगता है कि अगर हमने यहां संपत्ति बेची, पहले तो बेचना मुश्किल होगा क्योंकि तमाम तरह के कानून है, और अगर बेच भी लिया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में रूस भी ऐसा करेगा, तो इसलिए संपत्तियां नहीं बेची जाएगी, इंटरेस्ट का इस्तेमाल होगा, जो तकरीबन $50 बिलियन के बराबर कुल मिलाकर टिट फॉर टैट ये जो है ये कितना आगे जाएगा ये देखने वाली बात होगी।